हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वीआर एजुकेशन। साथियों, टेंस को लेकर बात कर रहे थे और उसमें आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को लेकर। तो हम स्टार्ट करें, उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्या बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को लेकर, देन उसके बाद हम देखेंगे उसके क्या यूसेज हो सकते हैं। तो दो बातें जो मेनली हम हर टेंस में यहाँ पर करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर एंड द अदर इज यूसेज ऑफ दैट टेंस। तो पहले आप हेडिंग डालें स्ट्रक्चर्स, और उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको लेकर बात कर लेते हैं। डाल द हेडिंग स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्चर इसमें देखिए, अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हमें फॉर्म करना है तो क्या स्ट्रक्चर होगा। देखिए, सबसे पहले आपका होगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट, और इसका आईएनजी फॉर्म हमें देखने को मिलेगा, देन ऑब्जेक्ट। और ये जो स्ट्रक्चर आप इस तरह से देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट विल सेल प्लस बी वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये आपका होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर होता है नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको फॉर्म करना है तो क्या करेंगे आप, बड़ा सिंपल है, नोट का यूज करना होता है। पर कहां पर, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, इसे ही हमें नेगेटिव में करना हो तो कहां पर, किस जगह आप नोट का यूज करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यहां पर आप देख रहे हैं दो हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर आपने देखा, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिल रही है। वन इज will sell and the second is here helping verb one and it's a helping verb two and it's main verb, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया, ये सब्जेक्ट है। अब हमें देखना है इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट अपनी जगह पर होगा, यस। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को हम लेंगे, दैट इज will sell, and just after the first helping verb will put not, not यहाँ पर हम रखेंगे, और उसके बाद HV second, that is be helping verb second, और उसके just बाद V1 that is main verb, और इसके साथ आपका ing form होगा and the object जगह पर होगा। और इस structure की मदद से आप एक negative sentence form कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस एक बार सो नोट करिए। या आपने, चलिए अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना होता है तो किस तरह से करते हैं, इनवर्जन से, है ना, इनवर्जन करके करते हैं। तो क्या हो गया, आप पहले आपका हेल्पिंग वर्ब वन विल सेल, दैट इज विल सेल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट विल पुट द सेकंड हेल्पिंग वर्ब दैट इज बी, देन जस्ट बाद मेन वर्ब दैट इज वर्ब फर्स्ट आईएनजी, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर, एंड यहां पर आप क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे,
और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए एक और होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, एज यूजुअल यू नो वेरी वेल दैट हम जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नोट का यूज करते हैं, जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस में हमने देखा है, उसी तरह से हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी वही करेंगे। पर कितना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हम नोट का यूज करके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। वो विल सेल प्लस सब्जेक्ट एंड जस्ट आफ्टर नोट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर क्वेश्चन मार्क, और इस तरह से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्हें एक बार आप अच्छे से नोट कर लें, और उसके बाद फिर हम जो यूसेज हैं मेनली क्या यूसेज हो सकते हैं उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा इनको, तो हम बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करेंगे इसके यूसेज को लेकर। तो हेडिंग डाले आप यूसेज, यूसेज इसमें फर्स्ट आप लिखेंगे। देखिए अगर बात करें तो क्या यूसेज हो सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को लेकर। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब जहां पर कंटिन्यूटी हमें देखने को मिले और किस रेफरेंस में, फ्यूचर के रेफरेंस में, तो हम जनरली हम कह सकते हैं कि टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, है ना। उस बात किसी घटना या उस बारे में बात करना जो फ्यूचर में गोइंग होने जा रही है। तो फर्स्ट यूज हम देखने वाले हैं ना ये, और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इंटरप्रेट एक्शन को लेकर। जैसा कि इंटरप्रेट एक्शन की अगर मैं बात करूं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा था, उसमें हमने इंटरप्रेट एक्शन, जिस तरह से हमने इंटरप्रेट एक्शन को देखा था वहां पर, उसी तरह से यहाँ पर भी हम उसे देखने वाले हैं। फर्क क्या होगा उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे, जो भी फर्क होगा वो आपको दिखेगा कि क्या डिफरेंस है। सेंटेंस उसी तरह से हमें देखने को मिलेगा, बट द डिफरेंस, बट वी हैव हैड द डिफरेंस, डिफरेंस जो है वो हम पर बात करेंगे। पहले आप फर्स्ट यूज आप लिखेंगे, देखिए टू टॉक अबाउट दिख रहा है आपको, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर। कहने का मतलब हम ऐसे एक्शन की बात यहां पर करेंगे जो एक्शन फ्यूचर में जारी हो, फ्यूचर में जारी एक्शन को लेकर हम यहाँ पर कोई ऐसा एक्शन जिससे जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि वो फ्यूचर में जारी है, ऐसा हम कह रहे हैं, ऐसा हम दिखाना चाहते हैं, उसको तो लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे क्या एग्जाम्पल हैं, तो हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। उससे पहले हम कुछ एडवर्बियल्स को लेकर बात कर लेते हैं, देखिए इसमें क्या किन एडवर्बियल्स को हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए कुछ एडवर्बियल्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं, एडवर्बियल्स जैसे मैंने कहा एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो हुआ,
हाँ एट 5 PM टुमारो। एट दिस टाइम नेक्स्ट मंडे। तो ये इस तरह की एडवर्बियल्स हमें यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो देखिए हम कह सकते हैं एट दिस टाइम टाइम टुमारो एट दिस टाइम टुमारो आई बी वॉचिंग आई बी वॉचिंग फुटबॉल मैच समझ गया। जो हमने लिखा है जो यूज हमने यहाँ पर लिखा है क्या क्या लिखा है टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर के बारे में बात करना जो फ्यूचर में जा रही है। इस सेंटेंस को आप देखें यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं एट दिस टाइम टुमारो कल मैं इस समय फुटबॉल मैच देख रहा होगा तो आई विल बी वॉचिंग फुटबॉल मैच। ठीक है और भी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं एक बार इन्हें आप नोट कर ले। एट ये आपने चलिए पढ़ जाए आगे और भी एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये अगर आपने नोट कर लिए हैं तो देखिए बी वेटिंग एट द बस स्टॉप AM टुमारो। कल हम 10 बजे बस स्टॉप पर वेट कर रहे होंगे। ठीक है ऑनलाइन देखिए विल बी लिसनिंग लिसनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच एट पी एम टुमोरो। ठीक है विल बी लिसनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच एट 8
पीएम टुमारो लिखा आपने। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरप्टेड एक्शन को लेकर। तो अगर आपने लिख लिया है तो हम बड़े बड़े आगे लिखें आप इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में इंटरप्टेड एक्शन किस तरह से हो सकता है को लेकर हम बात कर रहे हैं, और ये आपका सेकंड यूज है। तो हेडिंग डाल दें इंटरप्टेड एक्शन, इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में इंटरप्टेड एक्शन को लेकर हम बात करने वाले हैं। क्या होगा, किस तरह से होगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ने कहा आई बी डूइंग माय होमवर्क व्हेन माय फादर। अब यहां पर मैं देता हूं आपको खाली जगह डेस्क फ्रॉम द मार्केट मार्केट। ठीक है, ये जो सेंटेंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें दो क्लोज यहाँ पर दिए हुए हैं। जिस तरह से हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था इंटरप्टेड एक्शन को, यहाँ पर हमने दो क्लोज को लेकर बात करी थी। वन इज मैन क्लोज, ये आपका मैन क्लोज आपको आप देख पा रहे हैं। आई विल बी डूइंग माई होमवर्क, दिस इज योर मैन क्लोज, ये आपका मैन क्लोज है। और उसके साथ फिर एक टाइम क्लोज दिया हुआ है जो वैन से स्टार्ट है, वैन माई फादर, वैन माई फादर फ्रॉम द मार्केट, ये आपका क्या है, ये आपका टाइम क्लोज है। अब यहां पर जो एक्शन है, वन एक्शन इज इंटरप्टेड एंड अनादर इज इंटरप्टिंग, क्या है, एक इंटरप्टेड एक्शन है और दूसरा इंटरप्टिंग है। मतलब एक इंटरप्ट हो रहा है और एक इंटरप्ट कर रहा है। तो जो इंटरप्टेड एक्शन की अगर बात करें, इसकी हम बात कर रहे हैं इंटरप्टेड एक्शन। इन फ्यूचर कंटिन्यूअस में इंटरप्टेड एक्शन की अगर बात करें तो यह आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ही होगा, कॉन्टिन्यूस में होगा। और अनादर जो कि इंटरप्टिंग एक्शन होगा उसकी अगर बात करें, किसकी, इंटरप्टिंग एक्शन। इंटरप्टिंग एक्शन की अगर बात करें, ये आपका जनरली जनरली ये आपका सिंपल फ्यूचर में होगा, सॉरी सिंपल प्रेजेंट, नॉट सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नोट एंड शुड कंसीडर, आपको याद भी रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चंस फ्यूचर टेंस की अगर बात करें, पूरे फ्यूचर टेंस की, तो वहां पर पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर पूरे फ्यूचर टेंस की बात करें हम, फ्यूचर टेंस में अगर टाइम क्लोज की अगर बात करें, जो टाइम क्लोज दिया हुआ होगा वो हमेशा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही दिया हुआ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस उसमें देखना है ना। तो इस तरह से एक बात ये आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस पर यहां पर मैंने वर्ब भी आपको नहीं दिए, ऑप्शंस हैं आपके, इनमें से आपको फिल करना है।
रिटर्न रिटर्न्स या विल रिटर्न। अब देखिए जैसा कि स्ट्रक्चर आपके सामने है तो आप बड़े इजी गोइंग यहाँ पर फिल कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से बात हो रही है कि जो मैन क्लोज दैट इज इंटरप्टेड एक्शन एंड द टाइम क्लोज दैट वी विल कॉल इंटरप्टिंग एक्शन, तो जो इंटरप्टिंग एक्शन या टाइम क्लोज की अगर बात करें तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग दैट आप क्या फिल करेंगे, सिंपल प्रेजेंट अगर देखें तो क्या होगा, रिटर्न होगा, बोलिए क्या यहाँ पर रिटर्न होगा? नहीं, बिल्कुल, क्या विल रिटर्न होगा बताइए? नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों नहीं होंगे, क्या होगा, रिटर्न व्हेन माय फादर रिटर्न्स। ठीक है, व्हेन माय फादर रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, इसको एज इट इज आप एक बार नोट कर ले, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि सर ये बात है। और भी एग्जांपल हम इसमें देखेंगे। देखिए इट विल बी रेनिंग, रेनिंग व्हेन वी डेस्ट हेयर। बाप के जो ऑप्शन है, ऑप्शन है वो ये है, रीज रीच विल रीच। ठीक है, करेक्ट, आपको यहां पर फिल करना है। नेक्स्ट देखें, वर्ड्स नोट करें। ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग व्हेन यू डेज हेयर। आपके जो ऑप्शंस हैं वो आप यहां पर देखेंगे, वेंट गो गोज या विल गो। वेरी नोट, वॉट विल यू बी डूइंग, वॉट विल यू बी डूइंग व्हेन द डेज और फुल स्टॉप। आपके ऑप्शन हैं, वेलकम या फिर कैन। ठीक है, करिए इनको तीनों सेंटेंसेस को, करेक्ट ऑप्शन आप यहां पर फिल करेंगे।
चलिए क्या होगा भाई, इट विल बी रेनिंग व्हेन दिस देयर। अब बात हो रही है किसकी, इंटरप्टेड एक्शन को लेकर बात हो रही है। तो जो टाइम क्लोज है ये आपका ये आपका मेन क्लोज है, और टाइम क्लोज किसमें होगा आपका, ये आपका पूरा का पूरा टाइम क्लोज, दैट विल बी सिंपल प्रेजेंट। अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर वी के साथ आप क्या फिल करेंगे, क्या हो जाएगा, रीच होगा व्हेन वी रीच देयर। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में अगर देखें, ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग व्हेन यू देयर, है ना। ये आपका पूरा का पूरा मैन क्लोज हो गया, और ये आपका इनक्लोज हो जाएगा यहाँ तक। तो टाइम क्लोज दैट विल बी इन सिंपल प्रेजेंट, और अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, गो व्हेन यू गो देयर। और इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, व्हाट विल यू बी डूइंग व्हेन दे कम, कम होगा क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखनी है, अगर फ्यूचर टेंस में टाइम क्लोज ये अगर हमें बात करनी है, टाइम क्लोज को अगर देखना है, तो वो आपका किसमें होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो ये है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बार क्विक क्विकली हम इसको रिकेप कर लेते हैं, जो भी बात करी उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या बातें हमने करी हैं। तो छोटी छोटी बातें हमने यहाँ पर करी हैं। पहले हमने इसके स्ट्रक्चर्स को लेकर बात करी है, स्ट्रक्चर्स को देखा है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो हेल्पिंग वर्ब की हमने यहाँ पर मदद ली है, दो हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर यूज किया गया है। फिर नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, तो यहाँ पर आप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बड़ा इजी गोइंग इन्वर्जन से आप फॉर्म कर लेते हैं, आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से, ये है आपके स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके यूसेज को लेकर हमने बात करी है। द फर्स्ट यूसेज क्या हो सकता है, अगर उसके हम बारे में अगर हम बात करें, तो फर्स्ट यूज हमने देखा टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर। किसके बारे में बात करना, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में गोइंग ऑन, फ्यूचर में जारी एक्शन को लेकर बात करना। इसमें एडवर्बियल्स की अगर हम बात करें, तो एडवर्बियल्स को लेकर हमने बात करी, एट दिस टाइम टुमोरो, एट 5 PM टुमोरो, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंडे, इस तरह से ये एडवर्बियल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसी तरह से फिर इसके एग्जाम्पल्स को लेकर हमने बात करी, और इसमें हमने आगे ये सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें हमने आगे बात करी इंटरप्टेड एक्शन को लेकर, इंटरप्टेड एक्शन क्या होगा, जिस तरह से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने बात करी थी इंटरप्टेड एक्शन को लेकर, उसी तरह से यहाँ पर हमने इंटरप्टेड एक्शन को देखा। फर्क इतना है कि जो यहाँ पर इंटरप्टेड एक्शन होगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होगा, और उसके साथ जो इंटरप्टिंग एक्शन टाइम क्लोज होगा वो हमेशा सिंपल फ्यूचर होगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि यहाँ पर इंटरप्टिंग एक्शन या फिर जो टाइम क्लोज होगा किसमें, फ्यूचर टेंस, पूरा फ्यूचर टेंस को अगर हम देखें, होल पूरा फ्यूचर टेंस अगर हम देखें, यहाँ पर जो टाइम क्लोज होगा वो आपका हमेशा किसमें होगा, वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो, जो हमें पता होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्यूचर टेंस की, पूरे फ्यूचर टेंस की। लेकिन हम बात कर रहे हैं इन रेफरेंस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये है साथियों आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर, उसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर बात करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।